अब देखिए खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मंडियों में धान और बाजरे की खरीद पर किरण चौधरी का बयान आया। बाजरे पर प्रति एकड़ पर 8 क्विंटल की कैप लगाना भद्दा मजाक है, उन्होंने कहा। मंडियों में किसानों को बाजरे की खरीद पर नहीं मिल रहा है एमएसपी। कपास की फसल गुलाबी सुंडी से खराब हुई है, किरण चौधरी ने कहा। खराब हुई फसल का 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिले, किरण चौधरी ये मांग भी सरकार से करती नजर आई। तो देखिए मंडियों में धान और बाजरे की खरीद पर किरण चौधरी के ये बयान सामने आए हैं। बाजरे पर प्रति एकड़ पर 8 क्विंटल कैप लगाना एक भद्दा मजाक है। मंडियों में किसानों को बाजरे की खरीद पर एमएसपी नहीं मिल रही है, ये उन्होंने कहा। पर बाजरा और धान की फसल जो है वो पूरी मंडियों में आके पड़ी हुई है, और जो है किसान जो है मंडियों के अंदर पूरी तरह से पस्त है, और कृषि मंत्री हमारे जो हैं वो पूरी तरह मस्त है। हालात ये हैं कि आज जो है पूरी मंडियां भरी पड़ी हैं, बद इंतजामी जो है पूरी हो रही है मंडियों के अंदर, खरीद जो है हो नहीं रही है। 6 महीने से जो है किसान जो है खून पसीने के साथ जो अपनी जो है मेहनत करता है, आज जो है उसकी मेहनत का फल कुछ उसको मिलता नहीं है। जो है कैपिंग और इन्होंने लगा दी है बाजरा की जो है खरीद के ऊपर, जो है एमएसपी जो है वो तो अलग की बात है, लेकिन कैपिंग और कर दी है, एक एकड़ के ऊपर 8 क्विंटल जो है इन्होंने लगा दी है। तो ये तो किसान के साथ मैं समझती हूँ बहुत भद्दा मजाक है, और इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। और ये कहा गया है कि फिर जो बाकी जो बचेगी उसको जो है उसको हम भवंतर योजना के अंदर हम पूरा करेंगे। तो ये क्यों भवंतर योजना की बात क्यों करते हैं आप, सीधा एमएसपी के ऊपर उसको खरीदिए और खत्म करिए। सच्चाई ये है कि आज पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, इसके अंदर तो बाजरे की फसल का बुरा हाल हो रहा है। और इसी तरह से जो है धान की फसल जो है कैथल अपने अम्बाला यमुनानगर के अंदर जो है नमी के कारण वो वहां पे फैली पड़ी है, और उसका जो है कोई खरीदारी नहीं हो रही है। अब जो है कपास के ऊपर पूरी तरह से सुंडी लग गई है, और उसका नतीजा ये है कि अब किसान और भी जो है परेशानी के अंदर आ गया है। तो मैं डिमांड करती हूँ कि ये जो है प्रति एकड़ किसान को जो है 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तुरंत दिया जाए, और मंडियों के अंदर जो आवाक हो रही है उसका तुरंत जो है उसका उठान किया जाए, और ये जो पूरी की पूरी अव्यवस्था जो सरकार हमेशा जो है इस समय पर फैलाती है वो पूरी तरह से दुरुस्त करी जाए। बात